देखिए, जो पुलिसकर्मी मंदिर में ड्यूटी करने के लिए आते हैं उनका यहाँ पर रोल एकदम परिवर्तित हो जाता है। थाने पर उनकी जो ट्रेनिंग होती है वो अलग टाइप की होती है। उसमें प्रायः उनको ऐसी भीड़ को नियंत्रित करना होता है जो रूल ब्रेकर होती है, जो किसी धरने को लेकर के इकट्ठा होती है, प्रदर्शन को लेकर के होती है। उस भीड़ को नियंत्रित करने की पुलिसकर्मियों को ट्रेनिंग होती है और आदत भी होती है। लेकिन यहाँ पर जो भीड़ है वो श्रद्धालुओं की भीड़ है, तो उनके लिए हमको अपने पुलिसकर्मियों के माइंडसेट को पूरी तरह से बदलना होगा। इसके लिए जो भी पुलिसकर्मी ट्रेनिंग यहाँ पर आएंगे ड्यूटी के लिए, तो ड्यूटी से पूर्व यहाँ पर एक छोटा सा मॉड्यूल 3 दिन का चलाया जाएगा, जिसमें उनको सिर्फ इसी चीज़ की ट्रेनिंग दी जाएगी कि यहाँ पर उनकी ड्यूटी डिफरेंट है। जनता यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं उनको सुगम दर्शन कर हो जाए, उनको आसानी से दर्शन हो जाए, इस चीज़ के लिए उनकी ड्यूटी लगाई गई है। एज ए गाइड के रूप में लगाई गई है और एज ए हेल्पर के रूप में लगाई गई है, ना कि उनको वो हमारे कोई यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए भीड़ नहीं है ये। तो इस चीज़ की ट्रेनिंग हो रही है। इसके अलावा जो श्रद्धालु आते हैं बहुत दूर दूर से आते हैं, आंध्र प्रदेश से आते हैं, तमिलनाडु से आते हैं, महाराष्ट्र से आते हैं, प्रदेश पूरे देश के हर कोने से आते हैं यहाँ पर। तो उन लोगों की बहुत सारी जिज्ञासाएं होती हैं, वो जानना चाहते हैं कि मंदिर के अलावा, इस मंदिर के अलावा बनारस में और कौन कौन से मंदिर हैं, वहाँ जाना चाहते हैं, घाटों पर जाना चाहते हैं, आरती का समय जानना चाहते हैं। तो पुलिस चूंकि वर्दी के भेष में होती है, तो अक्सर वो हमारे पुलिसकर्मियों से इस तरह के सवाल पूछते हैं। और जब पुलिसकर्मियों को जानकारी नहीं होती है तो वो एक निगेटिव रेस्पॉन्स इस पर देते हैं। तो चूंकि मैंने कहा कि पुलिसकर्मी एज ए गाइड यहाँ पर काम करेंगे, तो इन 3 दिन की ट्रेनिंग के दौरान इन पुलिसकर्मियों को काशी के इतिहास और यहाँ के जो मुख्य मुख्य स्थल हैं उसके बारे में भी जानकारी दी जाएगी, ताकि यदि कोई पर्यटक या कोई श्रद्धालु इस तरह की जानकारी हमारी पुलिसकर्मी से प्राप्त करना चाहे तो वो उनको गाइड कर सके, उनको बता सके, ताकि जो श्रद्धालु यहाँ से आए वो एक पुलिस के बारे में, प्रशासन के बारे में, यूपी के बारे में एक पॉजिटिव धारणा लेकर के यहाँ से जाएं। हाँ, ये जो मंदिर का गर्भगृह है जहाँ पर श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं, तो प्रायः भीड़ का दबाव इतना ज़्यादा होता है कि इस तरह की कई श्रद्धालु से फीडबैक मिलती है कि 4 घंटे या 3 घंटे लाइन में लगने के उपरांत जब वो मंदिर पर पहुँचे तो मंदिर को ही देखते रह जाते हैं और भगवान जी के दर्शन अक्सर वो नहीं कर पाते हैं, और उनको हाँ भीड़ की वजह से और उनको आगे बढ़ा दिया जाता है। तो चूंकि प्रायः जो श्रद्धालु होते हैं या सभी लोगों का जो हमारे पुजारी हैं, पंडित जी हैं, अर्चक हैं, उनके प्रति एक सम्मान की भावना होती है, उनका चरण स्पर्श भी लोग करते हैं, तो वो कुछ बताते हैं तो लोग उनकी बात को ज़्यादा ध्यानपूर्वक सुनते हैं, उनकी बात को मानते भी हैं। इसीलिए पुलिसकर्मियों की ड्यूटी अर्चक पुजारी के भेष में लगाई जा रही है कुछ पुलिसकर्मियों की, ताकि जो श्रद्धालु हैं उनको वो प्रॉपरली गाइड कर सके, उनको बता सकें कि दर्शन करते टाइम उनको कहाँ देखना है, ताकि भगवान के उनको प्रॉपर दर्शन कम समय में हो जाए। और जो श्रद्धालु लाइन से अक्सर रुकने का प्रयास करते हैं मंदिर में, तो उनको वो आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। यदि पुलिसकर्मी उनको धक्का दे के हटाते हैं तो उनके मन में एक ठेस लगती है, लेकिन अगर कोई यही कार्य अर्चक या पुजारी करते हैं तो उनके प्रति सम्मान होता है, तो व्यक्ति उसका बुरा नहीं मानता है, एक पॉजिटिव व्यस्तता को मानते हुए कि ये व्यस्तता का अंग है, वो आगे बढ़ता है जो है। तो हमारा ये प्रयास है कि जो भी श्रद्धालु हैं उनके साथ कोई पुलिसकर्मी दुर्व्यवहार ना करे, और नो टच पॉलिसी का हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि किसी भी श्रद्धालु को बिना टच करे उनको आगे बढ़ाया जाए। जहाँ जरूरत हो वहाँ भीड़ कंट्रोल के रस्सों का प्रयोग करा जाए, और बहुत आवश्यक हो तो हमारी महिला पुलिसकर्मी श्रद्धालुओं को आगे बढ़ाएं। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना मत भूलें।